What will be the inductance of three-phase line with symmetrical spacing? तो यहाँ पे तीन कंडक्टर है ए बी सी, ए से बी का जो डिस्टेंस है वो डी है और इसका जो रेडियस होगा वो आर होगा। तो सबसे पहले हम फ्लक्स लीकेज ऑफ कंडक्टर ए फाइंड करेंगे, ऑफ कंडक्टर ए। सो फ्लक्स लीकेज ऑफ कंडक्टर ए इज इक्वल टू 2 × 10⁻⁷ आइए नेचुरल लॉग 1/D प्लस IB log 1/D AB प्लस IC log 1/D AC। अब यहाँ का जो डिस्टेंस है DAA DAB इज इक्वल टू DAC इक्वल टू DAC इज इक्वल टू डी, मीन्स इन तीनों का जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा डी। तो ये वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे और डी ए ए की जो वैल्यू रहेगी वो रहेगी आर डैश। तो हमारी इक्वेशन हो जाएगी 2 × 10⁻⁷ आई ए लॉग 1/R' प्लस आई बी लॉग 1/D प्लस आई सी लॉग 1/D। अब थ्री फेस वायर सिस्टम के अंदर, इन थ्री फेस वायर सिस्टम करंट विल बी जीरो, आई ए प्लस आई बी प्लस आई सी मीन्स एल्जेब्रिक सम ऑफ द करंट विल बी जीरो। तो ये क्या हो जाएगा आई ए इज इक्वल टू माइनस आई बी प्लस आई सी। अब ये जो वैल्यू आई है वो हम यहाँ पे पुट करेंगे तो ये हो जाएगा टू इंटू 10⁻⁷ आई ए लॉग 1/R' माइनस आई ए लॉग 1/D। तो यहाँ पे आई ए कॉमन निकालेंगे, 2 × 10⁻⁷ आई ए कॉमन लॉग 1/R' माइनस लॉग 1/D। अब लॉग की जो फॉर्मूला है बाय यूजिंग लॉग फॉर्मूला, लॉग एम माइनस लॉग एन इज इक्वल टू लॉग एम माइनस एम बाई एन। तो यहाँ पे कन्वर्ट करेंगे तो ये इक्वेशन हो जाएगी 2 × 10⁻⁷ आई ए लॉग डी बाई आर डैश मीन्स 1/R' / 1/D इज इक्वल टू डी बाई आर डैश। तो ये हो गया फ्लक्स लीकेज। अब हमें इंडक्टर निकालना है ऑफ कंडक्टर ए। इंडक्टर ऑफ कंडक्टर ए इज इक्वल टू एल ए इज इक्वल टू फ्लक्स लीकेज डिवाइडेड बाय आई ए, 2 × 10⁻⁷ आई ए लॉग डी बाय आर अपॉन आई ए, आई ए कैंसिल। तो हमारी इक्वेशन बनेगी ऑफ कंडक्टर ए एल ए इज इक्वल टू 2 × 10⁻⁷ log डी बाई आर। अब ये सिमेट्रिकल स्पेसिंग है तो एल एल मीन्स कंडक्टर बी एंड इंडक्टर बी एंड इंडक्टर सी विल बी ऑल्सो सेम फॉर दिस 2 × 10⁻⁷ log डी बाई आर डैश।